मस्जिद नबी का मिंबर है, जुमे का खुतबा है और खिताब जारी है, जुमा पढ़ा रहे हैं, अचानक मस्जिद में एक दरवाजा खुलता था, उसका पर्दा हिला, सुर्ख कपड़ों में हसन सामने से निकले, मुस्तफा की जुबान पर जुमे का खुतबा है, आंखों में हसन है। ठंडा जुमला है यारा जिस तो तुम हजम कर गए हो। मैं फिर जुमला दोहरा रहा हूं, मुहम्मद अरबी की जुबान पर जुमे का खुतबा है, आंखों में फातिमा का बेटा है। हाँ, जुमा चल रहा है, अब क्या हुआ? मुहद्दसीन कहते हैं हसन लड़खड़ाए, लड़खड़ाए, गिरे नहीं, लड़खड़ाए, ये लड़खड़ाए, मुस्तफा खामोश होकर मिंबर पर यूं बैठ गए, चुप कर गए। अब पर्दा हिला, पीछे से निकले हुसैन। जब हुसैन निकले, छोटी सी उम्र है, सुर्ख से कपड़े हैं, जब हुसैन मस्जिद के सेन में आए, लड़खड़ाने लगे, नबी ने मिंबर छोड़ा, मस्जिद के दरमियान में जाके शहजादों को उठाया। इतने सहाबा बैठे थे, किसी सहाबी से नहीं कहा मेरे बच्चों को पकड़ो, खुद मिंबर छोड़ा, खुद नवासा दोतरे के लिए, नवासे के लिए नाना नहीं छोड़ रहा। कुरान कहता है वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मुस्तफा उठे तो रसूल हैं, बैठे तो रसूल हैं, लेटे तो रसूल हैं, अल्लाह की खत्बे नबुवत मिंबर छोड़ रही है। मिंबर छोड़ा, हसन को उठाया, हुसैन को उठाया, दोनों शहजादों को लाके दाएं जानू पे हसन को बिठाया, बाएं जानू पे हुसैन को बिठाया। अब नबी कभी यूं देखते हैं, 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 कभी यूं देखते हैं। सियालकोट वालों, जिस कुरान की आयत से मुस्तफा ने आगे जुमा शुरू किया, अगर आप कहो तो मैं पढूं। अब मुस्तफा ने सूरह तगाबुन की आयत को पढ़ा और फरमाते हैं काल अल्लाह तबारक व तआला सहाबा इन्नमल अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। और मेरे गुलामों, अल्लाह ने बरहक फरमाया है कि औलादे वालिदैन के लिए अजमाई से कम नहीं होती। हसन गिरता मुझे नहीं देखा गया, हुसैन गिरता मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। देखे मदनी साहब, हदीस यहां खत्म हो गई है, इससे आगे एक भी जुमला हदीस का नहीं है। अब मौलवी सुन्नियों का हो, शियों का हो, देवबंदियों का हो, अहले हदीसों का हो, अब कयामत तक जो भी मिंबर पर जुमा पढ़ाएगा, वो जुमे का खुतबा देता होगा तो खड़ा होकर देगा, और खुतबा देता देता बैठ जाएगा, फिर चुप करेगा, चुप करने के बाद वो दोबारा खुतबा शुरू करेगा। जब वो नमाज पढ़ा के सलाम फेरे, उसे प्यार से कहना किबला जुमा भूल गए थे, खुतबा जहन से निकल गया था, वो कहेगा नहीं, तो कहना फिर चुप क्यों हुए थे, बैठे क्यों थे, वो कहेगा मुस्तफा की सुन्नत है, वो कहेगा मुस्तफा की सुन्नत है, वो कहेगा मुस्तफा की सुन्नत है, वो कहेगा मुस्तफा की सुन्नत है। अब उस मौलवी के सर पे कुरान रख के पूछना, तुझे तेरी माँ का वास्ता, ये तो बता कि हुजूर बैठे क्यों थे, उसकी माँ मर जाएगी, नहीं बताएगा, नहीं बताएगा, नहीं बताएगा, या खूने अली बताएगा, या अली के मानने वाले बताएंगे कि नबी बैठे थे हुसैन के लिए, नबी बैठे थे हुसैन के लिए। कयामत तक ये सुन्नत इसलिए बना दी गई ताकि मोमिनों को पता चले, जिस जुमे में हुसैन की याद ना आए, अल्लाह तो वो जुमा भी कबूल नहीं करता।